खूबसूरत वाक्य आप सबकी नजर। मार्क स्पिट्स, ये तारीख का पहला तैराक था जिसने ओलंपिक्स में 9 बार फतेह हासिल की और 1972 के म्यूनिख में होने वाले ओलंपिक्स में ये वो तैराक था जिसने 7 गोल्ड मेडल हासिल करके तारीख में अपना नाम रिकॉर्ड करवाया। जब उसने ये 7 गोल्ड मेडल ले लिए और वो स्टेज पर बड़े फखर से खड़ा था तो रिपोर्टर उसे सवाल कर रहे थे और वो बहुत खुश होकर उन सवाल के जवाब दे रहा था। तो एक रिपोर्टर ने उससे पूछा और कहा कि मार्क, टुडे इज लकी फॉर यू। ये फिक्र सीधा उसके दिल पर लगा, वो तड़प कर मुड़ा उस रिपोर्टर को स्टेज पर आने की दावत दी। रिपोर्टर डरते डरते स्टेज पर पहुंचा, मार्क को बड़े प्यार से सबने साथ बिठाया और बोला, मैं 1968 यानी 4 साल पहले इस मैक्सिको ओलंपिक्स में शरीक था। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं 30 सेकंड से हार गया, आधा मिनट से मैं हार गया और मैंने उसी वक्त फैसला किया कि अगला ओलंपिक्स ना सिर्फ जीतूंगा बल्कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भी मैं हासिल करूंगा। वो रुका और बोला, तुम जानते हो कि मुझे 30 सेकंड कवर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। रिपोर्टर अब खामोश खड़ा था। मार्क्स चंद सेकंड रुककर बोला कि मैं 4 साल में 10,000 घंटे पानी में रहा, मैंने इन 4 सालों में एक भी छुट्टी नहीं की, मैं अपना बर्थडे भी तैर कर मनाता था, मैं अपना क्रिसमस भी स्विमिंग पूल में गुजारता था। इन 4 वर्षों में मेरे वालदैन का इंतकाल हुआ, मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ, मेरा मकान बिक गया, मेरे क्रेडिट कार्ड बंद हो गया और मेरा अकाउंट खाली हो गया, लेकिन मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। अगर तुम इन 10,000 घंटों को 4 पर तकसीम करो तो ये 2,500 सालाना और रोजाना के 8 घंटे बनते हैं। इतना अरसा पानी में रहने की वजह से मैं सॉल्ट रिफ्लेक्स डिजीजेस का शिकार हो गया, मेरा पूरा जिस्म दुखता था, मुझे रोजाना फिजियोथेरापी करानी पड़ती थी। इस बीमारी फिजियोथेरापी के बावजूद मैंने 10,000 घंटे मेहनत की और फिर इस 30 सेकंड की कमी को पूरा करने के काबिल हुआ और तारीख में पहली बार 7 गोल्ड मेडल। और तुम कहते हो कि ये मेरा लकी डे है, तुम रोजाना 10 घंटे प्रैक्टिस करो तो मेरा लकी डे तुम्हारा लकी डे बन जाएगा। और उसके बाद वो रुका और उसने एक तारीखी फिक्रा कहा। उसने कहा, इंसान जितनी मेहनत करता है वो उतना ही खुशनसीब होता जाता है।